जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें चैन नहीं आया, और किस किस की जिंदगी बर्बाद करोगे तुम? छोड़ दो नताशा, छोड़ दो। प्लीज प्लीज बिहेव योरसेल्फ। नहीं माए, आज मैं जिस मकाम पर हूं ना, इस इंसान की वजह से हूं, नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। तुम इस आवारा लड़की की बातों पे आकर मुझ पे शक कर रही हो? तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं वरना क्या बिगाड़ लोगी तुम मेरा? तुम मत भूलो, अगर मैंने तुम्हारे घर वालों को बता दिया कि तुम इस आवारा लड़की के साथ रह रही हो, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बचेगा तो तू भी नहीं कमीने, मेरे घर वाले सिर्फ मुझे नहीं मारेंगे, तेरी भी कब्र साथ बनाएंगे। माही, किधर है आतिफ? साहब जी, बड़े साहब ने छोटे साहब को ढूंढने गए और छोटे साहब मालूम नहीं किधर गए। आप चलो अंदर। अच्छा, बड़े साहब को मार कर उन्हें सालवा ने मार दिया मेरे। आतिफ, 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 साहब जी, साहब जी, मेरे छोटे साहब को मार दिया उन लोगों ने, बाबरी ने मारा मेरे छोटे साहब को, मेरे साहब को मार दिया। मेरे बाबा और मेरे कजन, वो मेरे साथ तुम्हें भी मार डालेंगे। प्लीज कुछ करो, प्लीज कुछ करो, तुम आओ मेरे साथ। अरे मैडम, ये नंबर लिखे हैं हमारे, जरूरत हो तो बता देना। हम इस वक्त होटल में हैं सरकार, मेरी सहेली है साथ, घर पर कुछ लोग आए थे, हमें जान से मारना चाहते थे। मैं नहीं जानती वो लोग कौन थे, पर मेरी सहेली की जान लेने पर तुले थे। अरे वाह, क्या खबर है, ऐसा ही होना चाहिए था इसके साथ, मेरी बददुआ पूरी हो गई। बहुत अच्छा किया तेरे घर वालों ने, जो किसी को बर्बाद करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। बाबा साहिब, मेरा घोड़ा, मेरा मोती, वो रो रहा है, उसे दर्द हो रही है, उसको चोट लग गई। बाबा साहिब, मेरा घोड़ा, मेरा क्या घोड़ा घोड़ा लगा रखी है, आगे भी तो बोलो। वो उसे दर्द हो रही है, चलो मेरे साथ चलो। मुंशी, बाबा साहब मेरे साथ चले, उसको चलो, उसको दवाई दे, चले चले, चले। बाबा साहब मेरा मोती, उसको उसको दर्द हो रही है, उसको उसको ठीक कर दे। आज ये देखे मोती, मोती बाबा, बाबा साहब आ गए, अब तुम ठीक हो जाओगे तुम। मुंशी, डॉक्टर को चेक करवाया, क्या कह रहा है वो? जी सरकार, डॉक्टर को चेक कराया है, उसने एक्सरे किया है, बोलता है दो जगह से टांग की हड्डी टूट चुकी है। वो मोती गोली इसलिए मारी है कि वो तकलीफ में था। चंदू, जब कोई तकलीफ में होता है तो उसे गोली मार देते हैं, वो मर जाता है तो उसे सुकून मिल जाता है, उसकी तमाम तकलीफें और दर्दें खत्म हो जाती हैं। अब देखो किस कदर सुकून से वो सो रहा है। मोती। सलमा, अरे ओ सलमा,
जी अम्मा, देख तो बाहर कौन है। मैं आटा गूंद रही हूँ अम्मा। अरे इसे छोड़, पहले बाहर देख, कोई बहुत जल्दी में लग रहा है। सिकंदर गया है अम्मा। तेरा नाम सिकंदर है ना? जी जी। रेलवे में नौकरी करता था ना? साहब आपसे मिलना चाहते। खाला अजरा घर में है। और कौन है? ओ तू आ गया? जी मैं खाला। चल निकाल जल्दी से मेरी 2000 रुपया कमेटी, और सबसे पहले तो 200 रुपया जुर्माना दे तू। जल्दी कर। ये ले खाला 2000 रुपया। 200 रुपया लेस कर दे। असल में ना तरह लेट हो गई थी इसलिए। हाँ हाँ मैं जानती हूँ तू तनख्वाह पे कितना सा गुजारा करता है। चल जल्दी कर, 200 रुपया निकाल जुर्माने का जल्दी से। आज 12 तारीख हो गई है और 10 तारीख के बाद ना 200 रुपया जुर्माना होता है। इस बार लेट होने की माफी दे दे। आइंदा 10 तारीख को कमेटी ना पहुंची, जो तू चाहेगी जुर्माना कर देना। जो सजा देगी तेरा बेटा सर झुकाकर कबूल कर लेगा। चल चल मस्के ना लगा, अब के बार छोड़ रही हूँ, दोबारा माफी नहीं मिलेगी। बड़ी मेहरबानी खाला, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चल तू तो अंदर आ। ये ले खाना। चल सिकंदर पुत्र खाना शुरू कर। सलमा तू ना ये कमेटी के पैसे संभाल के रख दे। अम्मा राशन बिल्कुल खत्म हो गया है, चीनी भी नहीं है, घी 1-2 दिन और चल जाएगा। अच्छा अच्छा ले आऊंगी। हाँ पर मुझे याद आया, मुझे तो आज कहीं जाना है। कहाँ? वो तो फैल है ना, उसकी बेटी का रिश्ता कराने जाना है। तू ऐसा करना, वो जो घर में 3000 पड़े हैं ना, वो तू सिकंदर को दे देना, ये ले आएगा। अम्मा सिकंदर मेहमान है, क्या सोचेगा? इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, अब मैं इस घर का फर्द हूँ। और ये जो बाजार से सौदे लाने वाला काम है ना, ये काम भी मुझे सौंप दे, मैं ले आया करूंगा। मामा साईं, बाबा साईं ने मेरा घोड़ा मार के मुझे सबक दिया कि जब कोई मरता है ना तो फिर ही सुकून मिलता है। हाँ जब कोई मरता है तो फिर ही सुकून मिलता है। जब कोई क्या उठपटांग बातें कर रहे हो, कभी चुप भी रहा करो। आपका मूड ठीक नहीं लग रहा, शायद शहर गए हुए काफी दिन हो गए। क्या मतलब है तुम्हारा? फिर ही सुकून मिलता, जब कोई मरता तो फिर ही सुकून मिलता, जब कोई मरता तो फिर ही सुकून मिलता, जब कोई मरता तो फिर ही सुकून मिलता। सरकार आपकी मेहमान पहुंच गई है। अच्छा बात कराओ मेरी। बेहतर सरकार, सरकार आपसे बात करना चाहती है। हेलो हाउ आर यू? बहुत उदास हूँ आपसे। कब बख्श रहे हैं अपने दीदार का शख्स? प्रॉमिस? ओके गुड इवनिंग। कमरुद्दीन ये हमारे खास मेहमान हैं, इनका खास ख्याल रखना। जैसे आपको हुक्म करता है। कोई खास मेहमान है जिसकी बहुत मेहमान नवाजी हो रही है? मेहमान कोई भी हो
खास ही होता है, आम नहीं।